हेलो बच्चों। तो बेटा हम लोग अपने न्यू चैप्टर पर पहुंच चुके हैं और आज का जो हमारा जो चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 17 और टॉपिक का नाम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। ये आरडी शर्मा से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पूरा, ठीक है। तो देखते हैं बेटा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है और कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम केवल इसका बेसिक कवर करेंगे कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग होता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस की डेफिनेशन क्या होती है, ये हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो अपना टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। देखते हैं बेटा क्या है टॉपिक। पहला है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करें कि वो फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। तो मैं यहां पर एक ग्राफ बनाता हूं। तो देखिए बच्चों, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, जैसे ये वाला ग्राफ है, ये किसी फंक्शन का ग्राफ मैंने बना दिया, इस टाइप से जा रहा है, ठीक है। ये किसी फंक्शन का ग्राफ है। अब फंक्शन का किसी का ग्राफ है, सपोज ये y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये इस फंक्शन का ग्राफ है। तो बेटा इस फंक्शन में देखिए कि जब आप x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, x की वैल्यू जो आप इंक्रीज करेंगे तो ध्यान रखिएगा, x की वैल्यू इंक्रीज होगी बेटा वो आप कैसे लेफ्ट टू राइट चलते हैं ना, जब x की वैल्यू इंक्रीज होती है। एक्स की वैल्यू कब इंक्रीज होती है, जब आप लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं, इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब बच्चों यहां पर आप ध्यान से देखिएगा कि जब एक्स की वैल्यू आप इंक्रीज कर रहे हो, तो देखो ये मैं एक्स मान रहा हूं, एक हाथ में मेरे में एक्स की वैल्यू है और दूसरे हाथ में मेरी वाई की वैल्यू है, मतलब वाई का मतलब फंक्शन की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू। तो वाई के लिए आप समझ लीजिएगा कि ये जो होता है ना, ये जो हमारे पास ग्राफ आता है, ये वाई की वैल्यू का कलेक्शन होता है, पता है ना बेटा। एक्स की वैल्यू लगाते थे हम लोग, एक्स की वैल्यू यहां पर लगाएंगे तब हमारे पास वाई की वैल्यू मिलेगी। तो जो हमारे पास ग्राफ आता है वो क्या होता है, वाई की वैल्यू का कलेक्शन होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। और वो आता कैसे है वाई की वैल्यू, जब आप फंक्शन में एक्स की वैल्यू लगा देते हैं तो उसके करेस्पॉन्डिंग हमारे पास वाई की वैल्यू आती है ना, ये तो सब लोग जानते हैं। तो हम लोग एक्स की वैल्यू लगा रहे होते हैं, वाई की वैल्यू करेस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारे पास आ रही होती है। तो यहां पर बच्चों क्या करेंगे कि जैसे मेरे पास ये एक्स की वैल्यू है, मान लिया इस ग्राफ को, इस पॉइंट को, जो मेरे पास मार्कर है, इस मार्कर को मान रहा हूं कि एक्स की वैल्यू है, और यहां पर इस एक्स की वैल्यू को करेस्पॉन्डिंग ये वाई की वैल्यू आपको मिल गई। अब आप एक काम करिएगा कि एक्स की वैल्यू बढ़ाइए, एक्स की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि करेस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। हो रही है बेटा, जब आप एक्स की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं तो करेस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जब एक्स की वैल्यू आप इंक्रीज कर रहे हैं और वाई की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, तो समझ लीजिएगा कि ग्राफ हमारा इंक्रीजिंग है। कैसा है, इंक्रीजिंग। अगर आप एक्स की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं और वाई की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, करेस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो समझ लीजिए बेटा कि ग्राफ हमारा कैसा है, इंक्रीजिंग है। तो बच्चों यहां पर आप देखिएगा कि ये जो हमें दे रखा है, ये कैसा ग्राफ, ये कैसा होगा बेटा ग्राफ, इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ होगा। कोई इंक्रीजिंग फंक्शन है उसका ये ग्राफ है, समझ रहे हो। अगर किसी फंक्शन की वैल्यू, एक्स की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं और उसके करेस्पॉन्डिंग उस फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, फंक्शन का मतलब मेरा एफ एक्स से है और एफ एक्स का मतलब वाई से है, तो अगर हम एक्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं और एफ एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, या आप ये कहें कि आप एक्स की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं और वाई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो वो फंक्शन जो होगा वो फंक्शन हमारा कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। जैसा कि आपको मैंने अभी बताया बेटा कि जब आप इस ग्राफ में आप देखेंगे कि मैं एक्स की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूं और एफ एक्स की वैल्यू भी हमारी कैसी हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो आप समझ लीजिएगा कि ये जिस फंक्शन का भी ग्राफ है वो फंक्शन इंक्रीजिंग है। कैसा है, इंक्रीजिंग है। समझ रहे हो बेटा कि एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, करेस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, तो ये ग्राफ जिस फंक्शन का है वो फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है ना। तो जब कभी भी इस टाइप का जो ग्राफ होगा, इस टाइप के ग्राफ को हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब हम इसकी डेफिनेशन दे लेते हैं कि डेफिनेशन अगर हम इसे थ्योरेटिकल लिखें तो थ्योरी में इसको क्या लिख पाएंगे। तो
तो देखो कैसे लिखेंगे, आप यहां पर देख लीजिएगा कि ये है, ये मान लिया मेरे पास कोई पॉइंट है x1, और उसके करेस्पॉन्डिंग ये मेरे पास जो आती है y की वैल्यू आती है। बेटा x की वैल्यू लगाते हो तब मुझे y की वैल्यू मिलती है, तो ये होती है y की वैल्यू, है ना। इसके करेस्पॉन्डिंग ये y की वैल्यू है जो कि हमारी कितनी होगी, एफ एक्स वन की इक्वल होगी, ठीक है। ये एफ एक्स वन है, ये पॉइंट है एक्स वन और ये पॉइंट है एफ एक्स वन। थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं, क्लियर तो भी दिखेगा। ये है एफ एक्स वन और यहां पर ये कोई पॉइंट है एक्स टू, ये कोई पॉइंट आपने ले लिया एक्स टू, और इसके करेस्पॉन्डिंग मेरे पास यहां पर वाई की वैल्यू मिल रही है। ये वाई की वैल्यू है, ये क्या है आपकी, एफ एक्स टू है, ठीक है, ये एफ एक्स टू है। तो आपको देख रहे हो ये x1 के करेस्पॉन्डिंग y मिल गया fx1 और x2 के करेस्पॉन्डिंग y मिल गया fx2, ग्राफ में क्लियरली दिख रहा होगा। तो डेफिनेशन कैसे देंगे, जो हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है उसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखो बच्चों बिल्कुल सिंपल है और आपके समझ में भी आएगा। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R सच दैट x1 इज लेस देन x2, x1 इज लेस देन x2। आपने x1 और x2 ऐसे दो पॉइंट ले लिए, दोनों ही रियल नंबर हैं, कि यहां पर x1 हमारा क्या है, x2 से लेस है, जो कि आपको दिख रहा होगा कि ओरिजिन के जो आप इधर से इधर चलते हैं बेटा, लेफ्ट टू राइट हमारी वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना। आप वैसे भी जानते हो 1 2 3 4 जैसे जैसे इधर बढ़ते जाओगे बड़ी वैल्यू जाती जाएंगी। तो x1 जो है हमारा कैसा है बेटा, x2 से छोटा है, x1 x2 से छोटा है, ग्राफ से क्लियरली समझ में आ रहा होगा। तो मैंने वही लिखा है यहाँ पर कि आपको x1 और x2 दो लेने हैं, जहां पर कि x1 मेरा कैसा है, x2 से छोटा है, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, fx इज कॉल्ड इंक्रीजिंग, fx इज कॉल्ड इंक्रीजिंग इफ fx1 is less than fx2। अगर x1 is less than x2 लिया है और fx मेरा increasing है, तो बच्चों fx1 is less than fx2 होगा। मतलब आप समझ लीजिएगा कि x1 के corresponding ये fx1 मिल रहा था और x2 के corresponding ये fx2 मिल रहा है। तो आप यहाँ पर देख के बताओ fx1 छोटा है या fx2 छोटा है। क्लियरली दिख रहा होगा आपको ग्राफ से कि fx1 की वैल्यू छोटी है fx2 के कंपेरिजन में। मैंने यहाँ पर वही लिखा कि जब x1 और x2 दो रियल नंबर लिए हैं और x1 is less than x2 है, अगर हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है तो बेटा समझ लीजिएगा कि fx1 हमारा less than fx2 आ जाएगा। ये कंडीशन होल्ड हो रही होगी, fx1 is less than fx2 होगा, ठीक है। तो ग्राफिकली देखेंगे तो हम ऐसे करके देख सकते हैं कि x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, करेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है ना। और अगर थ्योरेटिकल देखा तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर x1 और x2 दो रियल नंबर हमने ले रखे हैं, such that x1 is less than x2, और fx अगर हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है तो डेफिनेटली fx1 is less than fx2 होगा बेटा, है ना। अगर वो इंक्रीजिंग, और रेदर इंक्रीजिंग नहीं है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है बच्चों, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये कैसा फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। अब बच्चों यहां पर हम देखेंगे कि एक एग्जाम्पल मैं इसका आपको देता हूं। देखिए बच्चों कि जैसे आपको शो करना है, सो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। आपको ये शो करना है कि ये एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+1 एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो आप कैसे शो करेंगे, तो बच्चों देखो कैसे शो करेंगे, सॉल्यूशन देखिए बेटा। आपको सबसे पहला काम करना है कि दो पॉइंट लेने हैं x1 और x2 किस टाइप से लेने हैं, कि x1 इज लेस देन x2 हो। तो यहां पर आपने दो पॉइंट ले लिए, एक x1 एंड x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x1 इज लेस देन x2, ठीक है। अब आपको दिखाना क्या है कि fx1 is less than fx2 होना चाहिए। क्या शो करना है आपको, अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो आपको fx1 is less than fx2 शो करना है। ये फोकस रखेंगे हम लोग और यहाँ पर पहुंचेंगे कैसे भी। तो देखो कैसे अप्रोच कैसे करेंगे, तो बेटा यहाँ पर देख लीजिए। पहले आप एक बात बताइए कि अगर मैं यहाँ से fx1 की वैल्यू निकालूंगा तो वो कितनी निकलेगी, fx1 अगर मैं निकालूंगा तो वो निकलेगा 2x1 plus 3,
ठीक है, और एफ एक्स टू अगर मैं निकालूंगा तो मेरे पास निकलेगा 2x2 + 3। एफ एक्स वन की वैल्यू मेरे पास निकलेगी 2x1 + 3 और एफ एक्स टू की वैल्यू निकलेगी 2x + 3। मतलब आपको ये दिखाना है कि ये वाली वैल्यू 2x1 + 3 इज लेस देन 2x2 + 3 है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखो, आपको यही तो दिखाना है, एफ एक्स वन इज लेस देन एफ एक्स टू। ठीक है, तो एफ एक्स वन की वैल्यू कितनी है, 2x1 + 3। अगर आपको ये दिखाना है एफ एक्स वन इज लेस देन एफ एक्स टू, तो मतलब समझ लीजिएगा कि क्या दिखाना है, 2x1 + 3 इज लेस देन 2x2 + 3, ये आपको शो करना है। अगर आपको ये शो करना है ना, एफ एक्स वन इज लेस देन एफ एक्स टू, इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो एफ एक्स वन इज लेस देन एफ एक्स टू शो करना होगा। तो एफ एक्स वन की वैल्यू है 2x1 + 3 और एफ एक्स टू की वैल्यू है 2x2 + 3। फाइनली आपको लेके ये आना है कि 2x1 + 3 इज लेस देन 2x + 3। 2x1 + 3 इज लेस देन 2x2 + 3, ये फाइनली आपको शो करना है। आई होप समझ गए होंगे कि हम क्या शो करने जा रहे हैं। 2x1 + 3 इज लेस देन 2x2 + 3 अगर आप शो कर देते हैं तो fx1 इज लेस देन fx2 हो जाएगा और वहां से फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो देखिए बच्चों कैसे शो करेंगे, इसके लिए अप्रोच करते हैं। सबसे पहले देखो x1 इज लेस देन x2 लेना ही लेना है आपको, और यहाँ पर देखिए x1 से किसमें कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। x1 में भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और x2 में भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर पॉजिटिव नंबर से इंक्लूसिव में मल्टीप्लाई करते हैं, इंक्लूसिव पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ना, ये तो हम जानते हैं 11th क्लास से। अब यहाँ पर प्लस कितना हो रहा है बच्चों, प्लस हो रहा है यहाँ पर दोनों साइड 3, तो दोनों साइड प्लस 3 कर दीजिए, 2x1 + 3 लेस देन 2x2 + 3। अब बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि ये जो वैल्यू आई है 2x1 + 3, ये वैल्यू किसकी है, fx1 की है। तो यहाँ पर ये हो गया मेरा fx1 और ये हो गया मेरा fx2। मैंने आपको क्या कहा था अभी कि अगर मुझे ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग शो करना है तो आपको क्या करना है कि x1 इज लेस देन x2 लेना है, जो कि अभी मैंने लिया था बेटा, x1 इज लेस देन x2, और फिर आपको शो क्या कर देना है कि fx1 इज लेस देन fx2 है, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। यही हमारी डेफिनेशन थी, क्लियर है। तो यहाँ पर बच्चों इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये मैंने आपको बताया था कि शो कैसे करना है। fx1 हमारे पास 2x1 + 3 हो जाएगा, fx2 हमारे पास 2x2 + 3 हो जाएगा, और शो आपको ये करना था fx1 इज लेस देन fx2। तो वो हमने बेटा यहाँ पर शो कर दिया कि x1 इज लेस देन x2 है, तो हमारा fx1 इज लेस देन fx2 होगा। देयरफॉर ये जो फंक्शन है 2x + 3, ये 2x + 3 कैसा हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं हम आप अपने अगले टॉपिक पर, ठीक है बेटा, देखते हैं। तो देखिए बच्चे, ये तो रहा हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को हम कैसे चेक करेंगे कि स्ट्रिक्टली फंक्शन होता क्या है, वो फंक्शन दिखता कैसा है और कैसे हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे, ये तो था ये। अब चलते हैं हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन पर, ठीक है, तो इसको रफ कर लेते हैं, फिर चलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन पर। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो डिक्रीजिंग फंक्शन, जैसा कि बेटा इसके जो नेम लिखा हुआ है उसी से हमें पता चल रहा है कि डिक्रीज हो रहा होगा फंक्शन, लेकिन आप उसे देखेंगे कैसे, जैसे इंक्रीजिंग फंक्शन को चेक कर रहे थे वैसे आप डिक्रीजिंग फंक्शन को चेक करेंगे। कैसे, कि अगर आपके पास इस टाइप से कोई फंक्शन है, देखिए इस टाइप से कोई फंक्शन है, तो आप यहां पर देखो कि जब आप x की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, मान लिया ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, तो ध्यान से देखेंगे कि x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है। x की वैल्यू को आप इंक्रीज करो, इंक्रीज करने का मतलब है कि आप लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे, इधर से इधर, डायरेक्शन मेंशन कर देता हूं, इस डायरेक्शन में आप बढ़ेंगे। तो जब इस डायरेक्शन में बढ़ रहे होते हैं तो x की वैल्यू बढ़ रही होती है, ठीक है। जब आप x की वैल्यू, मान लिया x की वैल्यू ये है और y की करेस्पॉन्डिंग वैल्यू यहां पर है, जब आप x की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो और y की वैल्यू देख रहे हो डिक्रीज हो रही है, x की वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, y की वैल्यू कैसी हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है। जब आप x की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं और y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो समझ लीजिए कि ये जो फंक्शन है, जिस फंक्शन का ये ग्राफ है, ध्यान रखिएगा, वो फंक्शन हमारा कैसा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग होगा। वहां पर क्या है कि जब आप x की वैल्यू को बेटा इंक्रीज कर रहे हो तो y की वैल्यू कैसी हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ऐसा फंक्शन जो होता है वो
वो कैसा हो जाता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। अब इसको अगर हम थ्योरेटिकल करना चाहें कि भाई थ्योरी में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये देख लीजिए कैसे लिखेंगे। जैसे अभी मैंने इंक्रीजिंग के लिए बताया था ना, वैसे ही डिक्रीजिंग के लिए है। क्या करेंगे कि आप दो पॉइंट यहां पर ले लीजिए, ये सपोज कर लिया आपने x1, तो ये जो हमारे पास या ये जो डिस्टेंस होगी हाइट, ये fx1 होगी। ये सपोज कर लीजिए आप x2, तो ये जो होगी हाइट, ये क्या होगी बेटा, ये हो जाएगी fx2। ठीक है, अब आप डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, लेट x1 x2 belongs to real number such that x1 is less than x2 if fx is decreasing, strictly decreasing function, not decreasing, strictly decreasing function, then अगर fx हमारा strictly decreasing function है, तो बेटा देख लीजिए कि x1 is less than x2 है, भाई x1 x2 से छोटा है, but fx1 आप देख रहे होंगे कि fx1 जो है हमारा वो fx2 से बड़ा है। fx1 देख रहे हो बेटा, fx1 ये है और fx2 ये है, तो fx1 हमारे पास दिख रहा होगा बेटा, fx1 हमारा fx2 से कैसा है, बड़ा है। then fx2 is greater than fx1 is greater than fx2। अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो आपने x1 is less than x2 लिया है, बट आपका fx1 is greater than fx2। आपको दिख रहा होगा ग्राफ से कि x1 के करेस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू मिली है वो ये है, और x2 के करेस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू मिली है वो ये है। यहां पर देख रहे हो कि ये वाला जो fx1 है वो fx2 से कैसा है, बड़ा है बेटा। ठीक है, तो अगर कोई स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो बेटा x1 is less than x2 के लिए fx1 is greater than fx2 हमें इंप्लाई करेगा, तब वो फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। जैसे एक एग्जांपल में यहां पर आपको समझाता हूं कि आपने फंक्शन ले लिया, सो दैट fx इज इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस थ्री फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन ये आपको शो करना है, तो आप कैसे शो करेंगे देख लीजिए बेटा। सॉल्यूशन कैसे करना है कि आपको x1 इज लेस देन x2 लेना है, शुरुआत यहीं से करनी है कि x1 हमारा कैसा है, x2 से लेस है। टेक x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x1 इज लेस देन x2, x1 हमारा कैसा है, x2 से लेस है। ठीक है ना, अब x1 is less than x2, तो मुझे दिखाना क्या है कि fx1 is greater than fx2 आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये देख लो, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि आप fx1 होगा कितना, fx1 होगा माइनस का 2x1 प्लस 3, और fx2 कितना होगा, fx2 होगा माइनस का 2x2 प्लस 3, है ना, ये fx2 होगा। तो fx1 निकालने के लिए या fx2 निकालने के लिए आप देख रहे हो कि x1 में जहां हमारा x1 है वहां पर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना है, और ऐसे ही x2 में भी कितने से मल्टीप्लाई करना है आपको, माइनस टू से मल्टीप्लाई करना है। fx1 बनाना है तो x1 के साथ पहले माइनस टू के साथ मल्टीप्लाई करो, और fx2 बनाना है तो x2 के साथ भी आपको माइनस टू से मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो बेटा मैंने यहाँ पर दोनों साइड माइनस टू से मल्टीप्लाई कर लिया, तो जैसे ही माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, तो अकॉर्डिंग टू द 11th क्लास आपको पता होगा नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर बच्चों क्या होता है, इनक्विलिटी उल्टी हो जाती है, इनक्विलिटी बदल जाती है। मतलब ये इधर खुला हुआ था ना इसका मुंह, अब इधर खुलेगा, ध्यान रखिएगा, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर ये होगा। ठीक है, इनक्विलिटी पहले देखो x1 इज लेस देन x2 ले रहे थे, लेकिन जैसे ही माइनस टू से जब दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो बेटा इनक्विलिटी बदल गई, जबकि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, अब आपको क्या करना है बेटा, दोनों में प्लस थ्री कर देना है, तो यहाँ पर दोनों साइड आपने कितना कर दिया, प्लस थ्री कर दिया, दोनों साइड कर दिया प्लस थ्री, और ये वैल्यू है आपकी एफ एक्स वन की, और ये वैल्यू है आपकी fx2 की। तो यहां से आपका क्लियर हो रहा होगा कि जब x1 is less than x2 हम लेके चल रहे हैं, और हमें मिल क्या रहा है कि fx1 is greater than fx2 मिल रहा है, तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। और वही यहां पर दिख रहा है कि x1 is less than x2 लेके चले, x1 is less than x2 लेके चले, और सो क्या कर दिया आपने, fx1 is greater than fx2, x1 is less than x2 लेके चले, और सो क्या कर रहे हो, fx1 is greater than fx2।
तो ये बता दीजिए कि ये फंक्शन कैसा होगा, ये फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। आई होप आपके समझ में ये टॉपिक्स आ गए होंगे, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो हम कवर करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।